अभी हम लोग आए हैं लाठीस रोड रत्ती लाल के खस्ते और बड़े खाने, तो आइए चलते हैं अंदर खाते हैं और आपको भी इंजॉय कराते हैं। ये जो आप सामने शॉप देख रहे हैं एकदम नीचे फ्लोर पे, ये है रत्ती लाल की शॉप। और अंदर घुसते ही हम लोगों को मिठाइयों का काउंटर दिखता है, हर तरीके की मिठाइयाँ यहाँ रखी रहती हैं। उसके बाद आता है खस्ते और बड़े का काउंटर, जिसको हम लोग खाने आए थे और देखने में तो खस्ते बड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, तो हम लोगों ने भी अपनी प्लेट लगा ली। उन्होंने प्लेट एक पेड़ के पत्ते को तोड़ के उसी में लगाई, जो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी सर्व करने में, तो हम लोग की प्लेट पूरी लग चुकी थी। और प्लेट लेके जब मैं अपने काउंटर पे पहुंचा खाने के लिए, तो उससे पहले आप लोग भीड़ चेक कर लीजिए। थोड़ी फेमस दुकान है तो भीड़ तो होगी, तो हल्की फुल्की भीड़ भी थी। और मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया। इनकी सब्जी जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, मटर और आलू प्याज नींबू सब दिया हुआ था, तो काफ़ी टेस्टी सब्जी मुझे लग रही थी देखने में। और जब मैंने अपनी ये बाइट बनाकर उसे टेस्ट किया, तो हाँ यार, इनकी सब्जी भी अच्छी थी और इनका सर्व करने का तरीका भी अच्छा था, तो मैं खा रहा था, मज़ा आ रहा था। और फिर मेरी बारी आई बड़ा टेस्ट करने की, तो मैंने एक बड़े का बड़ा सा टुकड़ा लिया और उसे सब्जी में लगा कर, ज़बरदस्ती खाया। और फिर खाने के बाद मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, क्योंकि काफ़ी बड़ा टुकड़ा था वो, तो आराम से खाने के बाद मेरा रिएक्शन ये था गुड। फिर हम दोनों ने मिलके अपनी ये दोनों प्लेट जल्दी जल्दी से फिनिश की, खस्ते और बड़े की, तो मेरा दोस्त भी वो खा रहा है आराम से, तो हम लोग इसे जल्दी फिनिश करते हैं। तो भाई हम लोग ने अपनी प्लेट फिनिश कर दी और काफ़ी अच्छा खस्ते थे यार, बड़ा भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा फूड व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नए फूड व्लॉग में, गुड बाय।